नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचना दी जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती की। टीजीटी पीजीटी हिंदी का कल परिणाम आया है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेटी में पूछा कि सर इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। तो अभी तक बहुत सारे रुझान आ चुके हैं मेरे कल के वीडियो में, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और प्रयागराज में बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने भी बताया कि पीजीटी और टीजीटी की मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी हिंदी बालक वर्ग की। बालक वर्ग की भी बात करेंगे, बालिका वर्ग की भी बात करेंगे, दोनों की एक साथ बात करेंगे। जनरल की जो कट ऑफ है वो गई है 109 के आसपास और फीमेल की कट ऑफ भी 109-110 के आसपास गई है जो कमेंट्स अभी तक मुझे मिले। ये देखिए, कल शाम का एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि टीजीटी हिंदी का परिणाम आ गया है, उसमें एक ये विद्यार्थी हैं, इन्होंने एक कमेंट किया था, शुक्रिया सर हमारा चयन हिंदी टीजीटी के लिए हो गया है और मेरे 109 अंक सही हैं और जनरल में सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बताया है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी इन्होंने बताया। और ये देखिए, ये कमेंटों की पूरी लिस्ट है, ये देखिए ये कमेंट्स हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की भी जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग के लगभग बराबर ही गई है, पुरुषों की यानी कि बालक वर्ग के बराबर ही गई है। और अभी तक 110 जिनके प्रश्न सही थे उनका जो चयन हुआ है उन्होंने बताया है। और ऐसी चर्चा है कि महिलाओं की जो कट ऑफ है वो भी 109 के आसपास गई है, 109-110 के आसपास महिला वर्ग और पुलिस वर्ग दोनों की कट ऑफ सामान्य वर्ग की गई है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो है 106 के आसपास, सामान्य वर्ग की ओबीसी पुरुष वर्ग की भी और महिला वर्ग की भी दोनों की कट ऑफ 106 के आसपास। ये देखिए, ये एक कमेंट है लगातार और इन्होंने दो लोग हैं, ये यहाँ पर नीलेश कुमार 106 टीजीटी हुआ है। और ये देखिए सर, टीजीटी 106 में साक्षात्कार के लिए कल हुआ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 106 बताया और हो सकता है कि 106 से कम भी गई हो। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट करके ये बताया कि उनका 109 सही है, 108 सही है और उनका जो चयन है नहीं हुआ है। किस तरीके से प्रश्नों को जोड़ा गया है या कोई गलती हुई है, क्या बात है, ये पूरी बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ज़्यादा जानकारी ये मिली है कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 106 तक गई है। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति एससी की कट ऑफ की। और एससी की जो कट ऑफ है इंदु बाला सत्या, ये देखिए नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, 103 एससी में हुआ है। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बताया है कि एससी में जो है 103 पर सिलेक्शन हुआ है। तो जो एससी की जो कट ऑफ है अभी तक जो जानकारियाँ मिली हैं उस हिसाब से 103 ये पुरुष वर्ग की है और ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका 101 है और उनका भी चयन हुआ है। तो बालक वर्ग में 103 और बालिका वर्ग में 101। तो ऐसी पुरुष यानी बालक वर्ग 103 और ऐसी महिला वर्ग 101 और ओबीसी की 106 दोनों की और सामान्य वर्ग की 109 मेल और फीमेल दोनों की। तो ये है डीजीटी की कट ऑफ। और अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पीजीटी की, पीजीटी के ज़्यादा रुझान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं और कुछ रुझान मिले भी हैं तो जानकारी ये मिली है कि जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है पुरुष वर्ग की वो गई है 121 प्रश्न, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है और इसमें बहुत सारे व्यक्ति असफल हो गए हैं। और शाम तक अगर कोई दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसमें ओबीसी और एससी और महिला वर्ग की कट ऑफ पीजीटी की जरूर आपको मालूम चल जाएगी, लेकिन यह निश्चित है कि सामान्य वर्ग में 120 में नीचे किसी का भी चयन नहीं हुआ है, साक्षात्कार के लिए कॉल नहीं हुई है। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत